हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियो वर्टेक। दोस्तों मेरा नाम है नवीन और आज का ये वीडियो काफी खास होने वाला है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों इस साल 2023 में रेलवे द्वारा नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे टीसी की भर्ती के बारे में और साथ ही साथ आप देख सकते हैं रेलवे टिकट कलेक्टर टीसी जिसे हम टीटी कहते हैं, साथ ही साथ गुडगार्ड की वैकेंसी के बारे में और स्टेशन मास्टर एएसएम की वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों इस भर्ती के आवेदन कब से कब तक चलेंगे, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, सारी जानकारी हम आपको देंगे। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नई रेलवे की भर्तियों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की रेलवे की नई भर्ती के बारे में। तो दोस्तों रेलवे मंत्री द्वारा यहां पर अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि ग्रुप सी की नई वैकेंसी निकाली जा रही है, जिसमें रेलवे टिकट कलेक्टर टीटीए की नई वैकेंसी शामिल है, वहीं गुडगार्ड्स की वैकेंसी शामिल है और स्टेशन मास्टर एएसएम की वैकेंसी भी यहां पर शामिल है। तो ये जो वैकेंसी है ग्रुप सी की वैकेंसी है। दोस्तों इस वैकेंसी के अलावा और भी रेलवे की नई भर्तियां आ चुकी है, जिसकी कंप्लीट जानकारी आप ले सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू tips1andbus.xyz पर। यहां पर आपको रेलवे की नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है और साथ ही साथ अगर आप रेलवे की नई भर्तियों के लिए तैयारी कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए, तो यहां पर आपको फ्री के मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं। तो आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपने लेवल को चेक कर सकते हैं कि आपकी अभी तक तैयारी कितनी हुई है नई भर्तियों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों काफी इंपोर्टेंट वेबसाइट है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, फ्री में आपको सारी अपडेट यहां पर दी जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई वैकेंसी के बारे में, जो कि रेलवे की तरफ से नई रिक्रूटमेंट है इस साल 2023 की। इंडियन रेलवे यानी कि आरआरसी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, जो कि ग्रुप सी की वैकेंसी है, जिसमें टिकट कलेक्टर टीटी की वैकेंसी शामिल है, गुडगार्ड्स यानी कि जीजी की वैकेंसी शामिल है, वहीं स्टेशन मास्टर एसएम की वैकेंसी यहां पर शामिल है। तो इस प्रकार ये नई भर्तियों पर नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। तो 11,500 से अधिक वैकेंसी आप यहां पर देख पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों रेलवे की नई वैकेंसी के ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक चलेंगे, इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इसके अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहेगा। तो दोस्तों यहां पर केवल आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा, तो ऑनलाइन ही आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट्स हैं मेल और फीमेल सभी अप्लाई कर पाएंगे इस वैकेंसी के लिए। दोस्तों यहां पर आपको जो सैलरी मिल रही है 21,700 से 81,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है। वहीं बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है इस भर्ती के लिए। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आपका सीबीडी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पीटी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट, उसके बाद फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी लिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा सिलेक्शन का प्रोसेस। बात करते हैं एज लिमिट की, तो कम से कम 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है 30 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन भी है, जो कि एससी और एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं और ओबीसी के जो एनसीएल के कैंडिडेट्स हैं उनको यहां पर आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की है, वो आप दे सकते हैं, इस पर रूल्स रहेगा। और बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इस भर्ती के लिए, तो यहां पर केवल 12th पास, अगर आप केवल 12वीं कक्षा पास तो दोस्तों आप सभी कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, वहीं एनी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसी है, ठीक है। अब आपको बताते हैं न्यूज के बारे में। तो यहां पर आप आएंगे तो आप देख सकते हैं रेलवे देश भर में 1.5 लाख पदों पर भर्तियां करेगा। जी हाँ दोस्तों, 3 लाख पद अभी भी खाली पड़े हैं, उनमें से आप देख सकते हैं टीटीई के 7,784 पद खाली पड़े, यानी कि रेलवे द्वारा इस साल 2023 में टीटी की जो वैकेंसी निकाली जाएगी उसमें आप देख पाएंगे कि 7,784 लगभग 8,000 पदों पर ये भर्ती होने जा रही है, जो कि केवल टीटी की भर्ती है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर के पद अलग हैं, गुडगार्ड्स के अलग हैं, उनके लिए अलग अलग वैकेंसी है, तो वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। कि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है दोस्तों कि अप्रैल महीने में 2023 में ये नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। तो दोस्तों अप्रैल से मई तक इनकी ऑनलाइन आवेदन चलने की संभावनाएं पूरी पूरी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सूचना आ चुकी है रेलवे मंत्री द्वारा, ट्विटर हैंडल अकाउंट पर भी यहाँ पर अपडेट जारी कर दिया है।
तो अप्रैल में ही नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। काफी सारे कैंडिडेट्स के ये सवाल थे कि सर रेलवे टीसी की वैकेंसी कब आएगी और इसके ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 7,784 पदों से अधिक यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। वही इसके आवेदन जो है अप्रैल 2023 में ऑनलाइन शुरू होने वाले हैं। जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ पर नई वैकेंसी की अपडेट आ चुकी है। तो तैयारियों में लग जाए, बहुत ही कम समय आपके पास पड़ा है, तैयारियां कर ले अपनी एग्जाम की तैयारियों में लग जाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे किस प्रकार आपका सिलेबस रहेगा, एग्जाम का पैटर्न रहेगा टीसी की भर्ती का। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।